नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदलेगी जल्द। बिहार के स्कूलों में होगी भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं की पढ़ाई। बिहार बोर्ड डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा का कार्यक्रम जारी। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को नेशनल अवार्ड मिलने पर बहन हुई खुश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदलेगी जल्द। बिहार के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदलने को लेकर बिहार सरकार जल्द ही तेजी से काम करने वाली है। इसको लेकर बिहार को केंद्र सरकार का भी साथ मिलने वाला है, जिसके तहत बिहार के लचर स्वास्थ्य केंद्रों को सुधारने के लिए केंद्र की तरफ से 6,017 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की माने तो केंद्र से मिलने वाले पैसों से डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ सब सेंटर, रूरल पीएचसी, अर्बन पीएचसी, ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट, अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर, बिलिंग लेस पीएचसी सब सेंटर, वेलनेस सेंटर, रूरल पीएससी सब सेंटर आदि स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास का काम किया जाएगा, जिससे बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदलने वाली है। अगले महीने से शुरू हो रही है धान की खरीद। बिहार में धान की खरीदी अगले महीने से शुरू होने जा रही है, जिसके तहत 1 नवंबर से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की सरकारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में धान खरीद की सख्त निगरानी होगी। इसको लेकर सभी संबंधित किसानों से धान खरीद सुनिश्चित किया जाएगा और 31 अक्टूबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन होगा। इसके बाद ही पोर्टल को बंद करने का काम होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक इस पोर्टल से 7 लाख से अधिक किसान निबंधित हो चुके हैं। राज्य सरकार की तरफ से जिलाधिकारी को धान खरीद केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने सभी जिलों के एसपी को लगाई फटकार। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों को नहीं पकड़े जाने पर सभी जिलों के एसपी को खूब खरी खोटी सुनाई है। साथ ही अब तक मामलों में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसको लेकर भी सवाल किया है। इस दौरान पटना हाईकोर्ट के जज पीबी वैजयंत्री ने एपीपी को सभी एसपी से इस बात की पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया है कि मामले के अभियुक्तों को पुलिस अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी है। साथ ही पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है कि नहीं, अगर आत्मसमर्पण नहीं किया तो पुलिस की नाकामी की वजह क्या है। इसको लेकर जज ने एसपी को 1 सप्ताह के अंदर पूरी जानकारी एपीपी को देने का आदेश जारी किया है। सीतामढ़ी के पुनौरा स्थित जानकी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये स्थान पौराणिक काल में पुंडरिक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था। कुछ लोगों का ये भी मत है कि सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर पश्चिम स्थित पुनौरा में ही देवी सीता का जन्म हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए अपने हाथों से यहां हल चलाया था। इसी दौरान एक मृदा पात्र में देवी सीता बालिका रूप में उन्हें मिली थी। मंदिर के अलावा यहां पवित्र कुंड है। 27 जनवरी 2019 से श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती के अवसर से श्री सीता रसोई शुरू किया गया है। श्री महावीर मंदिर पटना न्यास के मुख्य न्यासी श्री कुणाल किशोर की तरफ से पुनौरा धाम मंदिर में सीतामढ़ी के बाहर से आए सभी साधु संतों को और तीर्थयात्रियों को पुनौरा धाम में दिन और रात्रि में मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मीरा कुमार की। मीरा कुमार को देश की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त है। मीरा कुमार देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। मीरा कुमार बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद कुशग्र थी, जिसकी वजह से पिता जगजीवन राम और माता इंद्रानी देवी इन्हें बेहद प्यार करते थे। मीरा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के अति प्रतिष्ठित महारानी गायत्री देवी स्कूल में हुई। इसके बाद मीरा कुमार ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से एमए और मराठा हाउस से एलएलबी किया। वर्ष 1973 में मीरा कुमार भारतीय विदेशी सेवा यानी कि आईएफएस जैसे सम्मानित पद के लिए चयनित हुई। मीरा कुमार काफी दिनों तक ब्रिटेन, स्पेन और मॉरिशस में उच्चायुक्त रही। वर्ष 1984 में मीरा कुमार ने भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा दे दिया। मीरा कुमार का कला, भाषा और साहित्य में भी विशेष लगाव रहा है। मीरा कुमार एक कवित्री भी है। बिहार के स्कूल में होगी भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं की पढ़ाई। बिहार के स्कूलों में जल्द ही अब भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं की पढ़ाई शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग इसको लेकर जल्द ही तैयारियों में जुटने वाला है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत इन बदलाव को किया जाना है, जिसके फलस्वरूप अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। स्कूली शिक्षा में बदलाव की इस प्रक्रिया को साल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य फिलहाल रखा गया है। पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ ही किताबों में भी पूरी तरह बदलाव कर दिया जाएगा। इससे प्रदेशों के लाखों लाख छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम में अन्य बदलावों के साथ क्षेत्रीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में समुचित जगह देना है। ज्ञात हो बिहार के सभी स्कूल में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव किया जा रहा है।
डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा का कार्यक्रम जारी। बिहार बोर्ड की डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड 2019-21 और डीएलएड 2022 परीक्षा का कार्यक्रम बीते दिन जारी कर दिया है, जिसके तहत डीएलएड फेस टू फेस 2022 सत्र प्रथम वर्ष की परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। वहीं इस परीक्षा के एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर 26 अक्टूबर 2021 से अपलोड रहेंगे, जहां से छात्र आसानी से अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगले 7 दिनों में बदल सकता है बिहार का मौसम। बिहार में मौसम अब तेजी से बदलने वाला है। अभी से ही लोगों को गर्मी और सर्दी का एहसास दोनों हो रहा है, जिसके तहत लोगों को सुबह में ठंड तो रात में भी ठंड का एहसास हो रहा है। रात के वक्त लोग अब बिना चादर और बिना पंखे के शायद ही सो सके। ऐसे में मौसम विभाग ने बिहार वासियों के लिए बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी हवा का प्रवाह कम हो रहा है और पश्चिमी हवा के असर से ठंड का एहसास हो रहा है, जिससे आने वाले 7 दिनों में बिहार में गुलाबी ठंड का एहसास होने की उम्मीद जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में भी सक्रिय चक्रवाती हवा का प्रवाह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बिहार में मौसम पूरी तरह से ड्राई हो गया है और अब धीरे धीरे पश्चिमी हवा का प्रवाह भी बढ़ने लगा है। बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों को दिवाली से पहले मिलेगा वेतन। दिवाली त्योहार से पहले बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों को वेतन मिलने वाला है, जिसके तहत बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों के 2,56,896 शिक्षकों को दिवाली से पहले वेतन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों को वेतन देने की तैयारी में है। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से शिक्षकों के वेतन पर खर्च होने वाली राशि की जानकारी 2 दिनों में देने को कहा है। इससे पहले समग्र शिक्षा योजना के तहत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए पहले ही राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। सिपाही प्रमोशन नियमावली में जल्द होगा बदलाव। बिहार पुलिस के सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़े नियम जल्द ही बदलने वाले हैं, जिसके तहत बिहार पुलिस के सिपाही अब पहले हवलदार बनेंगे, उसके बाद ही उन्हें जमादार के पद पर प्रमोट किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार नियमों में बदलाव का कारण मौजूदा सिपाही बहाली के नियम को माना जा रहा है। बीते दिन ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि सिपाही के प्रमोशन को लेकर नियमावली में बदलाव करने की योजना बनाई गई है। उम्मीद है कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक पुराना नियम लागू रहेगा। कैमूर की पहाड़ियों में बनाए जाएंगे 4 एनिमल अंडर पैसेज। बिहार को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने को लेकर बिहार सरकार तो लगातार काम कर ही रही है। इसी बीच रोहतास और कैमूर जिलों के चीर लंबित नौहट्टा अधौरा एनिमल अंडर पैसेज निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ज्ञात हो इस सड़क को रोहतास के नौहट्टा और कैमूर के अधौरा प्रखंड के 140 गांव टोलों के लिए लाइफ लाइन के रूप में माना जाता है। कैमूर अभयारण्य से गुजरने वाली इस सड़क के लिए राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद की स्थायी समिति की बैठक में सशर्त निर्माण की अनुमति दे दी गई है, ताकि वन्य प्राणी निर्बाध किसी भी तरीके से सड़क पर ना जाकर अंडर पैसेज से सड़क के बीच से विचरण करते रहे, जिसके तहत ही अब इसमें मुख्य रूप से 5 चेकनाका, 2 वॉच टावर, 4 एनिमल अंडर पैसेज, 1 एलिवेंट अंडर पैसेज का निर्माण किया जाना है। पटना के सड़कों पर उतरे एसटीईटी अभ्यर्थी। साल 2019 में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। यही कारण है कि बीते दिन 2019 में एसटीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने सड़कों पर खूब बवाल काटा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि एसटीईटी उत्तीर्ण होने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि सरकार द्वारा बहाली को लेकर मेरिट लिस्ट का विज्ञापन जारी किया गया है। उस विज्ञापन में दी गई प्रतिक्रिया के हिसाब से वो चयनित और उत्तीर्ण है। हम लोग मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड है। मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के 5 दिन बाद उस मेरिट लिस्ट को शिक्षा मंत्री ने रोक दिया। फिर उसमें सुधार की कोशिश की जाने लगी, लेकिन अब तक बहाली पूरी नहीं हो सकी है। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम एडमिट कार्ड को लेकर जारी हुआ बड़ा अपडेट। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम सूचना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रस्तावित टर्म 1 परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी करने का फैसला सुनाया है। इसको लेकर सीबीएसई जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर इस टिकट को जारी करेगा। कार्ड जारी होने के बाद प्राइवेट छात्र ऑनलाइन मोड से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं रेगुलर छात्र अपने संबंधित स्कूल प्राधिकरण से सीबीएसई परीक्षा हॉल टिकट 2022 प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सीबीएसई ने अभी तक कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड 2022 की रिलीज की तारीख को घोषित नहीं किया है। औरंगाबाद के देव में नहीं लगेगा सुप्रसिद्ध मेला।
तीर्थस्थल देव में 4 दिवसीय कार्तिक छठ महापर्व को लेकर औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक बुलाई थी, जिसमें देव में इस बार भी कार्तिक छठ मेला या महोत्सव का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय दिया गया है। साथ ही छठ पूजा से संबंधित किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम या मनोरंजन से संबंधित कोई अन्य कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हर साल छठ महापर्व और कार्तिक मेले के आयोजन में 15 से 20 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जैसा कि इस बार देश कोरोना की जद में है, ऐसे में और सतर्कता की जरूरत है, उसी को देखते हुए तमाम गाइडलाइन जारी की गई है। बीते दिन से बिहार में शुरू हुई सतर्कता अभिचेतना सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 1 नवंबर तक जारी रहने वाली है। वहीं इस अभिचेतना सप्ताह को लेकर सीएम नीतीश ने भी संदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक सतर्कता अभिचेतना सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है। निगरानी विभाग भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सतत प्रयत्नशील है, इसके लिए सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके परिणाम स्वरूप ही बिहार में सदाचार नैतिकता को बढ़ावा देते हुए राज्य के आत्मसम्मान और गौरव की वृद्धि में निगरानी विभाग का योगदान उल्लेखनीय है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने सप्ताह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस के पोस्टर में नजर आए तेज प्रताप। बिहार में 2 सीटों पर जारी विधानसभा उपचुनाव के लिए पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस ने लालू के लाल को अपने पक्ष में करने के लिए एक पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें तेज प्रताप यादव को जगह दी गई है। बता दें कि इस पोस्टर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है, साथ ही इस पोस्टर में जा प्रमुख पप्पू यादव की भी तस्वीर लगाई गई है। कांग्रेस ने लालू यादव के बयान के विरोध में पटना में एक पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा गया है कि दलित अपमान का बदला जरूर लेगा कुशेश्वर स्थान। साथ ही पोस्टर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि कांग्रेस के साथ नहीं तो राजद किसके साथ। किसानों ने अमित शाह को लिखा पत्र। बीते दिन बिहार के किसानों ने अमित शाह के नाम पर एक पत्र जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार किसान मंच के बैनर तले बिहार के किसानों ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम पर यह पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने पैक्सो और व्यापार मंडलों के जरिए किसानों के साथ हो रहे गलत बर्ताव का जिक्र किया है। इसके साथ ही किसानों ने बिहार में धान अधिप्राप्ति की समय सीमा को लेकर भी सवाल उठाया। किसानों ने इस पत्र में सरकारी स्तर पर हो रही धान खरीद में हो रही गड़बड़ियों को केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके तहत ही सबसे पहले किसानों ने बिहार में धान अधिप्राप्ति की समय सीमा पर सवाल उठाए हैं। किसानों का कहना है कि धान अधिप्राप्ति के लिए तय की गई समय सीमा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक है, जो कि पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत कम है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को सड़क से आने का दिया चैलेंज। हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान के कथित वीडियो में बिहार की सड़कों की बदहाल व्यवस्था के बयान पर विपक्ष के नेताओं ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सड़क की व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जिसके तहत कुशेश्वर स्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी ने वहां की सड़कों की जर्जर स्थिति को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और कुशेश्वर स्थान में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सड़क मार्ग से आकर यहां की सच्चाई जानने की बात भी कही है। चुनाव ने उपचुनाव में झोंकी ताकत। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले हैं। वहीं इन चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस चुनाव को लेकर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने का काम किया है। यही कारण है कि चिराग पासवान के सभा में उमड़ रही भीड़ को लेकर लोजपा रामविलास पार्टी काफी उत्साहित है। ये भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं, ये देखना अहम होगा। चिराग पासवान द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार और उसके पहले आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ से वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार की माने तो चुनाव के दौरान सभाओं में भीड़ का हिस्सा बनना या सभा में आना एक बात है और उसका वोट में तब्दील होना दूसरी बात है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को स्वीकार कर लिया था। केंद्र सरकार ने 2008 में अखबार उद्योग के पत्रकार और गैर पत्रकारों को अंतरिम राहत की अधिसूचना आज के दिन जारी की थी। फिल्म जगत के साथ साथ भजनों से खास पहचान बनाने वाली अनुराधा पौडवाल का जन्म 1952 में आज के दिन हुआ था। भारत के शतरंज खिलाड़ी दूसरे ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ का जन्म 1966 में आज के दिन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन का जन्म 1920 में आज के दिन हुआ था। गांधी जी निजी सचिव प्यारे लाल का निधन 1982 में आज के दिन हुआ था। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार का निधन 2001 में आज के दिन हुआ था। लालू यादव जब चाहे तब ले सकते हैं मेरी जान। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की एंट्री से राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के आगमन से बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन उनके आने से सभी की जुबान पर बस लालू का ही नाम है। तभी तो सीएम नीतीश भी अपनी जनसभा में लालू के नाम का जिक्र करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। इसी
क्रम में उन्होंने लालू यादव पर बेहद ही इस बार तो गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके तहत बीते दिन दो विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा कि लालू यादव जब चाहे तब मेरी जान ले सकते हैं। दरअसल हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वो बिहार नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए आए हैं। आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन करने पर ऋतुराज गायकवाड़ को मिला तोहफा। आईपीएल 2021 में चेन्नई की टीम चौथी बार चैंपियन बनी है, वहीं इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ की चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब ऋतुराज गायकवाड़ को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र टीम की कमान सौंप दी गई है। ऋतुराज इस सीजन में अपनी टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। उनके अलावा नौशाद शेख को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट की शुरुआत 4 नवम्बर से हो रही है और महाराष्ट्र की टीम को तमिलनाडु के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, महाराष्ट्र को एलिट ग्रुप ए में रखा गया है और वो लीग स्टेज के अपने मैच लखनऊ में खेलती नजर आएगी। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को नेशनल अवार्ड मिलने पर बहन हुई खुश। हाल ही में नेशनल अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें कई फिल्मों और कलाकारों को सराहा गया। हालांकि सबके बीच एक अवार्ड जिसने सबका ध्यान खींचा है वो है फिल्म छिछोरे। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसमें बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर अब उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने खुशी जाहिर की है और धन्यवाद कहा है। इसके अलावा उन्होंने इस अवार्ड पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा, सुशांत हमारे साथ आज मौजूद नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ है। वो अवार्ड में स्टेज शेयर कर रहे हैं। भाई गर्व के इस क्षण को हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। वो हमारे साथ नेशनल फिल्म अवार्ड की भावना में मौजूद है। धन्यवाद भाई को समर्पित पुरस्कार को देकर प्राउड फील कर रही हूँ। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,320 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,590 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 111.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 102.93 रुपए प्रति लीटर थे। पटना की हवा पर स्टडी की शुरू हुई तैयारी। दिवाली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, हालांकि इस बार पटना समेत कई शहरों में पटाखों पर बैन लगाया गया है, लेकिन फिर भी पटना के आसपास के इलाकों में दिवाली पटाखों के साथ मनाई जाएगी। इसको लेकर पटना की हवा पर स्टडी की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर ही 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक स्टडी कर यह पता लगाया जाएगा कि दिवाली में हवा किस स्तर तक प्रदूषित हुई है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने बड़ी तैयारी कर ली है। शहर के प्रमुख स्पॉट चिन्हित करने के साथ स्टडी के लिए टीम लगा दी गई है। पटना शहर के 4 प्रमुख स्पॉट को स्टडी के लिए चिन्हित किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रुपेश कुमार, दिव्यांशु कुमारी, बबिता यादव, धर्मेंद्र कुमार, कुश कुमार, माही आनंद, अजीत कुमार, भरत प्रसाद, मोहम्मद मंसूर, सोनम देवी, शंकर मुखिया, आनंद कुमार, आफ्ताब आलम, पंकज कुमार दास। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की सड़क व्यवस्था नीतीश सरकार में ठीक हुई है या फिर और ज्यादा खराब हुई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।